हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट टू। तो अब से जो क्लासेस में जो भी आपके करंट अफेयर्स कराए जाएंगे वो आपके जनवरी के होंगे, और यहाँ पर हम सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो आज की क्लास वन की टॉपिक है आपका, ठीक है, सेट वन के क्लास वन का जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन कमीशन फॉर कॉपरेशन विद यूनेस्को, दैट इज़ INCCU, सुपर जॉब लैब एंड इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन इन स्टेम। ये थ्री टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहला टॉपिक है हमारा इंडियन कमीशन फॉर कॉपरेशन विद यूनेस्को, INCCU। ये आपका जो एक इंडियन कमीशन है ये बनाया गया है जनवरी 30 को, और इसको चेयर किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, श्री रमेश पोखरियाल निशांक ने। तो यूनेस्को कमीशन में इसके साथ साथ यूनेस्को कमीशन के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जो सब कमीशन्स भी थे, जैसे कि सोशल साइंसेज पे बेस्ड, कल्चर पे बेस्ड, एजुकेशन पे बेस्ड था वो, नेचुरल साइंसेज एंड कल्चर पे भी बेस्ड था। तो ये सारे सब कमीशन्स हैं इंक्लूडिंग INCCU में। और सब कमीशन्स की हम बात करें अगर, तो ये विल एड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को इन इंडिया। इनको क्यों बनाया गया है, इन सब कमीशन्स को इसलिए बनाया गया है क्योंकि यूनेस्को के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया में, उन सबको फुलफिल करने के लिए इनको, इन सब कमीशन्स को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका आपको ध्यान क्या देना है कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन कमीशन फॉर कॉपरेशन विद यूनेस्को के बारे में बेसिक डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है, एंड ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का जो यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन फुलफिल करता है। तो उसमें राइट आंसर आपका INCCU हो जाएगा। उसके अलावा आपसे यहाँ पर सब कमीशन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, और डेट भी आपको याद रखनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपर जॉब लैब। सुपर जॉब लैब क्या है? तो इंडिया की फर्स्ट सुपर जॉब लैब को इस्टेब्लिश किया गया है केरला में, और ये इस्टेब्लिश हुई है 25 जनवरी 2020 को। और इसको, ये सुपर जॉब लैब आखिर में होता क्या है? तो देखिए, ये MIT जो इंस्टीट्यूट है आपका, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US का, वो कोलैबोरेशन से, मतलब वो जो भी गवर्नमेंट होती है उसके साथ कोलैबोरेट करती है, और जो केरला गवर्नमेंट है उसका एक डिपार्टमेंट है जिसको हम केरला स्टार्टअप मिशन कहते हैं, या आप कह लीजिए कि एक उसकी एक तरीके का एक प्रोग्राम है जिसके साथ इन्होंने टाइप किया है, और उसके बेसिस पर ये जो लैब है ये सेटअप करेंगे। तो ये जो सुपर जॉब लैब है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी सेटअप की जाती है, जहाँ पर ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग सिखाते हैं। और यहाँ पर किस तरीके की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, जैसे कि आपका हो गया प्लाज्मा मेटल कटिंग, CNC कटिंग, लेज़र कटिंग, इलेक्ट्रॉक्स और माइक्रो प्रोसेसर, एंड 3D प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। इस तरीके की डिफरेंट टाइप की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ है उसमें स्टूडेंट्स को यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया जाता है। और इंडिया में ये पहली बार इस्टेब्लिश की गई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है ये, इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये किसके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। तो कोलैबोरेशन हुआ है KSUM, दैट इज़ केरला स्टार्टअप मिशन, एंड MIT के बीच में। ये आपकी सुपर जॉब लैब जो है वो इंडिया की फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। कब इनॉग्रेट की गई है? इनॉग्रेट की गई है ये January 25th में। क्या क्या यहाँ पर सिखाते हैं, क्या चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? तो इसमें आपका CNC कटिंग, प्लाज्मा मेटल कटिंग, लेज़र कटिंग, इलेक्ट्रॉक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड 3D प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इसमें इंक्लूडेड हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन इन स्टेम। तो एक इंटरनेशनल समिट हुई है, ठीक है, January 25th को, और ये इसकी जो थीम थी वो थी विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइन। तो ये जो अगर हम इसकी बात करें तो ये समिट किस चीज़ के लिए थी? ये इंटरनेशनल समिट वुमेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए थी, जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम स्टेम बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको हेल्प किया था, इसको उन्होंने किया था, और ये आपकी 25 जनवरी को हुई है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।